हेलो गाइज, वेलकम टू विद्याफट। दिस इज सुनील कुमावत और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं 2021-22 नए सेशन के लिए नई वीडियो सीरीज। इसमें हम लोग कवर करेंगे इकोनॉमिक्स क्लास 11th क्लास 12th। आज से हम शुरुआत कर रहे हैं क्लास 11th की। हर रोज़ आपको 12 बजे जो है लाइव स्ट्रीम होगा, वीडियो स्ट्रीमिंग की जाएगी, आप अपलोड किया जाएगा, स्ट्रीम किया जाएगा। तो हर रोज़ 12 बजे आप स्ट्रीमिंग के टाइम पर भी देख सकते हैं और बाद में भी देख सकते हैं। वीडियो देखें तो आप सीक्वेंस में देखें, सीक्वेंस में देखेंगे तो आपको हर बात समझ में आएगी। तो शुरुआत करते हैं क्लास 11th इकोनॉमिक्स की। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं क्लास 11th इकोनॉमिक्स की। और क्लास 11th इकोनॉमिक्स की यदि हम बात करें तो क्लास 11th में जो आप लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में, आप लोग दो सब्जेक्ट पढ़ेंगे। आपको मालूम है वैसे कि दो सब्जेक्ट है आपका, पहला हो गया आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा सब्जेक्ट जो है वो है आपका स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक दोनों सब्जेक्ट हमें पढ़ना है। अब मोटे तौर पर बात की जाए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना क्यों चाहिए, तो मैं मोटे तौर पर बात ये करूँगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इट मीन द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स, स्टडी ऑफ माइक्रो थिंग्स, मतलब छोटी चीज़ों लेवल पर ये बात करता है। यानी कि एक चीज़ है उसकी प्राइस कैसे डिसाइड की जाए, प्रोडक्शन कितना किया जाए, कैसे किया जाए, ये सब चीज़ों के बारे में, कंज्यूमर के बारे में, कंज्यूमर क्या सोचता है, सेलर क्या सोचता है, और जो है हम कैसे हमारे प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ाएं घटाएं, डिमांड क्या होती है, सप्लाई क्या होती है, ये सारी चीज़ें। इट मीन्स आप इसमें मेजरली तीन चीज़ें पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। पहली चीज़ आप पढ़ते हैं कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में, और कंज्यूमर बिहेवियर से जो डायरेक्ट जुड़ी हुई चीज़ है वो है डिमांड। तो यानी कि आप पहली चीज़ पढ़ेंगे इसमें डिमांड, कंज्यूमर बिहेवियर की बात होगी। दूसरी चीज़ आप इसमें पढ़ेंगे प्रोड्यूसर्स बिहेवियर, जो सेल करने वाला है, जो सप्लायर है वो उसके बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे, और सप्लायर क्या करता है, सप्लायर सप्लाई करता है। तो इट मीन्स आप पढ़ेंगे सप्लाई के बारे में, और उसके बाद जो ये डिमांड करने वाला और सप्लाई करने वाला कहाँ मिलेंगे, मार्केट में। तो फिर आप फाइनल चीज़ पढ़ेंगे मार्केट कैसे बिहेव करता है, या मार्केट कितने टाइप के होते हैं और मार्केट में प्राइस कैसे तय होती है। तो माइक्रो इकोनॉमिक जो है वो आपको तीन चीज़ें मेनली पढ़ाएगा। एक तो जो है चीज़ें खरीदने वाला यानी कि कंज्यूमर, ठीक। दूसरा जो है चीज़ें बेचने वाला यानी कि आप सेलर बोल दें आप उसको, या फिर आप उसको सप्लायर बोल दें, या फिर आप उसको प्रोड्यूसर बोल दें, है ना, तो सप्लायर हो गया। और तीसरा जो चीज़ है वो है मार्केट, मार्केट के बारे में। तो ये तीन चीज़ें जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको बिल्कुल जो है इसकी बेहतर आपको समझ आपको हो जाएगी। फिर यदि हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स की, तो स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स में देखिए पहले ही दे रखा है कि स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, यानी इकोनॉमिक्स को समझने के लिए हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स हमें वो सब्जेक्ट को समझने के लिए, वो सब्जेक्ट को सपोर्ट करने के लिए हमें स्टैटिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट है। क्या रिक्वायरमेंट है, जैसे मान लीजिए हमें कोई ट्रेंड स्टडी करना है, हमें कोई ट्रेंड स्टडी करना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो है ग्राफ या चार्ट वगैरह कैसे बनाया जाए, हमें यह पता होना चाहिए कोई डेटा को एनालिसिस कैसे किया जाए, आने वाले टाइम में हमें कोई नया हमें डिसीजन लेना है तो डिसीजन लेने के लिए पास्ट की स्टडी करना पड़ेगी कि पास्ट का रिकॉर्ड कैसा रहा। तो वो शेड्यूल बनाना, डायग्राम बनाना, ठीक है, मीन निकालना, है ना, मोड निकालना, ये सब चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती है चीज़ों को स्टडी करने के लिए। तो चीज़ों को स्टडी करने के लिए आपको जो है किसकी ज़रूरत पड़ेगी, स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। जैसे अभी इस साल आप पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, अगले साल आप पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इट मीन्स देश के लेवल की बात, बड़े लेवल की बात, है ना, फिस्कल पॉलिसी कैसे बने, मॉनेटरी पॉलिसी कैसे बने। तो ये सब चीज़ें डिसीजन लेने के लिए हमें बहुत सारी कैलकुलेशन भी करना पड़ती है, और वो कैलकुलेशन के थ्रू हमें चीज़ समझना पड़ती है। तो वहाँ हमें हेल्प करता है स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स जो है वो इकोनॉमिक्स के लिए एक सपोर्टिव सब्जेक्ट है। इसमें आप क्या क्या सीखेंगे, इसमें आप सीखेंगे डाटा कलेक्ट करना, डाटा कैसे कलेक्ट किया जाता है, फिर डाटा कलेक्ट करने की मेथड कौन कौन सी होती है, फिर जो है शेड्यूल कैसे बनाया जाए, टेबल वगैरह बनाए जाए, है ना। तो टेबल जो आप लोगों ने 10th में भी थोड़ा इस बारे में पढ़ा होगा, तो टेबल कैसे बनाई जाए, फिर उस टेबल से आप चार्ट कैसे बनाया जाए, वो चार्ट बनाने के बाद में फिर मीन
मोड, मीडियन, फिर कार्ल पियर्सन कोफिशियंट, फिर जो है आप जो बाकी जो स्टैटिस्टिक्स वाली जो चीज़ें हैं, बस मेजर मेजर चीज़ें यही है। जो हमें कोई बहुत ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स में अंदर गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें। मेनली आपको शेड्यूल बनाना, डायग्राम बनाना, अलग अलग टाइप के चार्ट बनाना, और जो है कुछ जो स्पेशल एवरेजेस हैं, जैसे कार्ल पियर्सन कोफिशियंट हो गया, रैंक कोरिलेशन हो गया, है ना, प्राइस इंडेक्स हो गया, ये चीज़ें आपको स्टैटिस्टिक्स में पढ़ने को मिलेगी और ये चीज़ें आपको आप पढ़ेंगे। तो मैं आज आपको ये बता रहा हूँ, अभी हम शुरुआत कर रहे हैं सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट की शुरुआत में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये दो सब्जेक्ट पढ़ने का मतलब क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं आप, और आपको ये जनरल लाइफ में आपको कहाँ काम आएगा, कैसे काम आएगा। कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं तो हम ये समय सोचना चाहिए कि वो सब्जेक्ट हमें लाइफ में काम आएगा कि नहीं आएगा, और आएगा तो कब आएगा, कैसे आएगा। तो ये सब्जेक्ट आपको तब काम आएगा जब आप कोई चीज़ खरीदने की का डिसीजन लेना है, कोई चीज़ बेचने का डिसीजन लेना है, किस चीज़ का प्रोडक्शन करने का डिसीजन लेना है आपको। फिर आपको जो है ये डिसीजन लेना है कि किस चीज़ की प्राइस कितनी तय की जाए, तो ये सब्जेक्ट आपको हेल्प करेगा। और ये सब्जेक्ट जो है, क्योंकि इकोनॉमिक्स काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है, अभी आप एक साल में बहुत कुछ समझ जाएंगे, लेकिन फिर भी बहुत कुछ बाकी रहेगा। तो वो सब्जेक्ट को समझने के लिए और वो सब्जेक्ट में जो चीज़ें दे रखी है उसको करने के लिए आपको इस सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि स्टैटिस्टिक्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब स्टैटिस्टिक्स तो जैसे बहुत सारी जगह काम आता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको अभी आपको डिसीजन लेना है कि हम ये एक मार्कर प्रोड्यूस करना है, हम नई मार्कर की जो है हम फैक्ट्री डालना चाह रहे हैं, मार्कर का हम प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं। अब मार्कर का हम प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं तो हमने देखना पड़ेगा कि पुराने जो इस टाइप के मार्कर आते हैं, जो 25 रुपए की रेट के मार्कर हैं, वो मार्केट में मतलब उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है, और मार्केट में वो कितनी सेल हुई है, कम हुई है, ज़्यादा हुई है, किस कंपनी की ज़्यादा हुई है, किस कंपनी की कम हुई है, जिसकी ज़्यादा हुई तो उसकी क्यों ज़्यादा हुई, जिसकी कम हुई तो क्यों कम हुई। तो आपको बहुत सारा डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, और डेटा कलेक्ट करने के बाद आप एनालिसिस कर पाएंगे कि हाँ ये वाला पेन की इतने मार्केट में ये मतलब खूबी है, अब हमारा पेन जो है वो कितने का हो, वो 20 रुपये वाला होगा या 30 रुपये वाला होगा, 30 रुपये वाला होगा तो उसमें खास क्या होगा, है ना, 20 रुपये लगा तो हम उसमें क्या होगा। देखिए आज के टाइम में कोई भी चीज़ यदि हम आज मार्केट में लाते हैं तो हमें उस पहले स्टडी करना पड़ती है, और स्टडी करने के बाद ही वो चीज़ को मार्केट में लाते हैं, और वो फिर यदि हमारा प्लान बहुत बेहतर होता है तभी चीज़ें मार्केट में चलती है, तभी चीज़ें मार्केट में बिकती है। अब चूंकि आप एक कॉमर्स सब्जेक्ट ले रहे हैं तो इट मीन्स आपसे ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि आप इन द फ्यूचर एक अच्छे बिजनेसमैन बन पाए। यदि आप एक अच्छे बिजनेसमैन नहीं भी बन पाते हैं तो आप एक अच्छे बिजनेस मैनेजर बन पाए, या तो आप अपने खुद के लिए बिजनेस करें या फिर आप किसी और के लिए अच्छा बिजनेस करके दें, तभी तो आपकी वर्थ है। क्योंकि कॉमर्स स्टूडेंट से ये थोड़ी एक्सपेक्ट किया जाएगा कि उसको जो है बायो का कितना नॉलेज है या उसको इंजीनियरिंग का कितना नॉलेज है, उससे तो क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा कि ये बिजनेस में कुछ अच्छा कर सकता है, ये मैनेजमेंट कुछ अच्छा कर पाएगा, अरे ये कोई इकोनॉमिक डिसीजन अच्छा ले पाएगा, ये बिजनेस अच्छा कर पाएगा। यही क्षमता को आपको डेवलप करना है थ्रू आउट, जब तक आप ये दो साल क्लास 11th और क्लास 12th में आप बहुत कुछ सीख जाएंगे, और फिर जब आप ग्रेजुएशन करेंगे तो आपके जो कॉमर्शियल नॉलेज है आपको वो मिलेगा। इकोनॉमिक्स के बारे में आप सीखेंगे, बिजनेस स्टडी के बारे में आप सीखेंगे, मैनेजमेंट के बारे में आप सीखेंगे, अकाउंटेंसी के बारे में आप सीखेंगे। इट मीन्स ये कि आप बिजनेस के छोटी छोटी चीज़ों के बारे में आप सीखेंगे, और जब बिजनेस की छोटी छोटी चीज़ों के बारे में आप सीख जाएंगे तो आपकी क्षमता हो जाएगी। आपकी क्षमता क्या हो जाएगी, आपकी क्षमता बढ़ जाएगी डिसीजंस लेने की। एक बिजनेसमैन को क्या करना पड़ता है, एक मैनेजर को क्या करना पड़ता है, उसे बार बार नए नए डिसीजंस लेना पड़ते हैं, डिसीजन लेना पड़ते हैं, यह बार ये रेट चल रहा है, अभी चीज़ें खरीदूँ कि नहीं खरीदूँ, ये रेट चल रहा है अभी बेचूँ कि नहीं बेचूँ, ये रेट चल रहा है क्या करना चाहिए, अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अच्छा अभी किसी को हायर कर रहे हैं तो उसमें क्या चीज़ देखें, किसी को रिक्रूट कर रहे हैं ना करें, किधर पैसा लगाएं किधर पैसा ना लगाएं,
दिन भर में क्या करना है एक बिजनेसमैन को दिन भर में, साल भर में, जब भी मेजरली उसको क्या करना रहता है, डिसीजन ही लेना रहते हैं। तो वो डिसीजन लेने के लिए देखिए, एक व्यक्ति मान लीजिए आप कहीं बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए, अब बाहर कहीं आप घूमने के लिए जा रहे हैं तो मुझे बताइए कि कौन अच्छा डिसीजन ले पाएगा, जो बाहर ऑलरेडी घुमा हुआ हो या जिसको ज़्यादा जानकारी हो कि कौन सा शहर कहाँ पे कहाँ नहीं है, वो ज़्यादा अच्छे से प्लान बना पाएगा, या वो व्यक्ति अच्छे से प्लान बना पाएगा जिसको ज़्यादा जानकारी नहीं है, ज़्यादा अपना बाहर घुमा फिरा है ना, उसने कभी सर्च किया है कुछ भी नहीं, कौन डिसीजन ले पाएगा, जिसको ज़्यादा नॉलेज होगा। तो अच्छा डिसीजन लेने के लिए आपको बिजनेस का जो है नॉलेज लेना पड़ेगा। बिजनेस नॉलेज लेने के लिए क्या करना है आपको, उसके लिए आपको तीन मेन चीज़ें है बिजनेस की। एक तो हिसाब किताब यानी कि अकाउंटिंग हो गया, फिर दूसरा ये है कि बिजनेस में जो मेजर डिसीजंस वगैरह हैं, चीज़ों को व्यवस्थित करके रखना है, वो है आपका मैनेजमेंट यानी कि बिजनेस स्ट्रेटजी बोलते हैं हम उसको। और तीसरी चीज़ हो गई आपकी बड़े डिसीजन, इकोनॉमिक डिसीजन, जैसे कि गवर्नमेंट ने टैक्स रेट क्या है डिसाइड किया है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, आरबीआई क्या कर रही है, बैंकों में क्या चल रहा है, तो वो इकोनॉमिक अवेयरनेस जिसको आप बोल दें। तो ये तीनों की अवेयरनेस जब आपके पास होगी तो आप अच्छे बिजनेस डिसीजन ले पाएंगे। ठीक, तो मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन में कुछ पढ़ाया नहीं, इस बात का दुख मत मनाओ, आपको सब कुछ हम पढ़ेंगे लेकिन शुरुआत तो करेंगे यार, हम क्यों पढ़ेंगे उसके बाद में बात करेंगे कि क्या पढ़ेंगे, तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो फिर मिलते रहेंगे, तब तक के लिए अलविदा, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी। और हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जरूरी चीज कि बिल्कुल कंटिन्यूटी के साथ बने रहना, सब चीजें समझ में आएगी और अच्छी पढ़ाई होगी। हाँ, आपको मुझे देना कुछ नहीं, देना सिर्फ क्या है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है, और एक अच्छा कमेंट। थैंक यू।